श्रीमान जगदीश जी मील, आप बालाजी कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हैं और 25 सालों से वागड़ में सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमान बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर से, आप नगर परिषद डूंगरपुर में फायर ऑफिसर हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने यथास्थान पर खड़े होकर भारत माता की जय, जवान जय किसान, जय जवान जय यूनिटी। आज के तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आपने इस कार्यक्रम में पधारकर जो चार चांद लगाए हैं, ये हमारे लिए अकल्पनीय है। और इसी के साथ जो हमारे बच्चों ने मेहनत की है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये ऑर्गेनाइजेशन किया है, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। मैं मेरे सभी अतिथियों के लिए चार लाइन व्यक्त करता हूँ। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, आपके आगमन से इस आंगन की शान बढ़ी है। Thank you.
तो जाटा रो इतिहास इतनो बड़ो और इतनो भरोसाली है कि सीमित समय में इन्हें अगलो बताना संभव कौन है। फिर भी मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूं कि जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है, जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है, सदा सूरता और वीरता का जाटों में वास है। भारत के हम वीर सपूत हम जाट जई बलवान है, भारत के हम वीर सपूत हम जाट जई बलवान है, डुगराई के समर विजेता हम मातृभूमि के मान है। हम निर्भय आगे बढ़कर दुश्मन का सीना फाड़ेंगे, हम निर्भय आगे बढ़कर दुश्मन का सीना फाड़ेंगे, विजय ध्वज अपना लेकर दुश्मन के सिर पर गाड़ेंगे। जूझेंगे तूफानों से हम, जूझेंगे तूफानों से हम यम से भी भिड़ जाएंगे, अवसर आने पर हम धरती से अंबर तक छा जाएंगे। सोमनाथ का स्वर्ण हम ही गजनी से लाए थे, सोमनाथ का स्वर्ण हम ही गजनी से लाए थे, पाकिस्तानी दुश्मनों को हम ही सीमा पार भगाए थे। और कालांतर में उनको जाट कहने लगे, ये भी एक मान्यता है। उसके अलावा जाटों के गौरवशाली इतिहास में अनेकों अनेक सूरवीर हुए हैं, जैसे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा कनिष्क कासवान, दिल्ली के सम्राट अनंगपाल तोमर, महाराजा सूरजमल, वीर तेजाजी महाराज, रानाबाई, नागौर की पावन धरती जिसे संतों की धरती और जाट लैंड का रोम कहा जाता है, वहाँ के खरनाड़ गांव में हुआ था, माघ सुदी 14 विक्रम संवत 1130 में हुआ था। तेजाजी महाराज की अल्प आयु 6 वर्ष की आयु में अजमेर पुष्कर के पशु मेले में ही शादी कर दी थी। तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम ताड़जी धोड़िया, माताजी का नाम राम कंवरी बाई, छोटी बहन बूंगरी बाई राजल बाई और उनकी धर्मपत्नी का नाम माता पेमल बाई था। तेजाजी महाराज के शादी के तीसरे दिन जो अपने ताड़जी धोड़िया थे, तेजाजी महाराज के पिताजी, वो गांव के मुखिया थे, और शादी के तीसरे ही दिन तेजाजी महाराज के मामी ससुर के बीच में उनके किसी आपसी मतभेद के कारण तेजाजी महाराज ताहड़जी धोड़िया ने उनके मामी ससुर का सर काट दिया था। इसकी वजह से उनकी शादी के बाद में उनके धर्मपत्नी को उनके साथ नहीं भेजा गया था। अब धीरे धीरे तेजाजी महाराज बड़े होते गए, व्यस्त होते गए, और जाटों का अपना प्रमुख पैसा है वो खेतीबाड़ी का है, तो खेतीबाड़ी कर रहे थे। तो अब खेत में जब वो व्यस्त अवस्था में काम कर रहे थे तो वो उन बहुत थक गए थे, और बैल वेल भी थक गए थे। उनकी जो भाभी जी थी उन्होंने खाना लाने में थोड़ी देरी कर दी थी, तो इसके लिए उन्होंने तेजाजी महाराज ने उन पर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे जाट तने उन्नी रोटियाँ जीमणी है जन, अब खुदरी लुगाई ले ना जा, नहीं तो माने तो घणो ही और काम रहे, एडी ठंडी ठंडी खावनी पड़ी। ठीक है, जब तो जन तेजाजी महाराज क्योंकि आज मोर ठीक नहीं है, बाद में जाइयो वगैरह वगैरह, जन तेजाजी महाराज कहवे कि सूर ना देखे टीपणो, सूर ना देखे टीपणो और सुगण गिणे नहीं सूर, सूर ना देखे टीपणो और सुगण गिणे नहीं सूर, मरने को मंगल गिणो मेरे मुख पे चढ़ रियो नूर। जन तेजाजी महाराज जा गाया ने लेना रो वचन दे के और जा रहा था गाया लेबा, जन एक बाड़ू करके नाग हो जे जी का बम्बी पर उनका मोक्ष प्राप्ति हो रही थी। मोक्ष प्राप्ति का मतलब है कि उनका वो अपने आप जब सांप की बहुत ज़्यादा आयु हो जाती है, और पुराने जमाने में वो अपने आप जल के भस्म हो जाता था, उसको मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो जन तेजाजी महाराज ने सांप ने जल तो देखो जन मैं सोचियो, और अनुमान के हिसाब से 200-250 से ज़्यादा ढके थे, उन सब से अकेले लड़े और अकेले ही उन पर विजय प्राप्त करी, और वापस और सारी गायें लाचा गुजरी को सुपुर्द करवा के और वापस वो बालू नाग की बम्पी पे आए। तो तेजाजी महाराज के सत्य वचनों को देख के वो अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने बचाई नहीं क्योंकि वो अपने वचन पे रहने वाले लोग थे। तो अब उनके सत्य वचन को देख के और बालू नाग ने कहा कि भाई तेरी तो पूरी की पूरी काया झूठी है, पूरी की पूरी काया पे खून लगा हुआ है, इस वजह से मैं तेरे को नहीं। और एक सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, मैं अब अपनी बात कुछ पंक्तियां कह के और समाप्त करनी चाहूँ कि जैसे कि
जिया अपन बडेरा गांव में कोई भी पहला कोई लड़ाई हो जाती, कोई झगड़ा हो जाओ तो कोई भी बात हो जाती, जन का होता कि न्याय की जगह मिली कि न्याय मिली साहब जाट रे गिर, तो अपन भी चीज नहीं हमेशा बरकरार रखनी है, अपन भाई चीज संगठित होकर रखना है, वही चीज अपने को बना के रखनी है। कि जिया अपने मारवाड़ी में कहावत है कि खाना हमेशा मारे हाथों खानो भले ही जेरी हो, खाना हमेशा मारे हाथों खानो भले ही जेरी हो, और बैठना हमेशा भाइयों के बीच भले ही बेरी हो। बोलो वीर तेजा जी महाराज की। अस्सी मन का कोटड़ा, सौ मन का जाट, क्योंकि आज हम इस कार्यक्रम आज के कार्यक्रम की थीम जाट मेडिकोमीट रखी गई है, और हम सब में हो सकता है बहुत से लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो ये जाट मेडिकोमीट तब तक सफल नहीं होती जब तक छोटे से छोटा मेडिकल स्टूडेंट से लेके बड़े से बड़े डॉक्टर एक दूसरे को जान नहीं लेते। तो हेलो, सभी को राम राम। और आज जो अतिथिगण हमारे बीच में पधारे हैं उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि राम राम, एंड जो भी जूनियर्स हैं उनको हाय हेलो राम राम। तो मेरा नाम है अंकुर बुर्डक, मैं सिकंद का निवासी हूं और 18 बैच अब फिलहाल मैं इंटर्न में हूं, और अब मैं आगे मेरी बैचमेट मैं भरतपुर से हूं। मैं तारातन चित्रवाल 18 बैच श्री माधोपुर सिकर का निवासी। सभी को राम राम, मैं धीरज देवंडा जयपुर का निवासी हूँ, 18 बैच डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। अनिल विदा इंडिया, चूरू से हूँ मैं, 18 बैच का सगान, राम राम। सभी को राम राम, मैं विक्रम बलसानी 18 बैच जयपुर का निवासी हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश चांसोजिया 18 बैच चूरू से। संजय चौधरी 18 बैच शाहपुरा जयपुर। सभी को राम राम, मेरा नाम सुभाष कुमार, मैं हूँ सीकर से 18 बैच। दीपक बाजिया रिंगस सीकर। मैं बाड़मेर से गोपाल जानी 18 बैच, अभी इंटर्नशिप चल रही है यहाँ से डूंगरपुर से, हमारा पहला बैच है सभी का डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से, तो सभी को मेरा राम राम हमारे 2018 बैच की तरफ से। कचरा रे कचरा रे तेरे कारे कारे रहना, कचरा रे कचरा रे तेरे कारे कारे रहना, कचरा रे कचरा रे तेरे कारे
उड़ा के